नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त छत्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रैग्रो छत्र। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों की जो पेड़ी की फसल है नौलक कट चुकी है और ज़्यादातर किसान भाइयों ने पेड़ी में पहला सिंचाई कर रखी है। तो किसान भाइयों, पेड़ी में ज़्यादा कल्ले लेने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप गन्ना की फसल करते हैं और गन्ना की फसल में आप चाहते हैं कि मेरी जो फसल है उसमें ज़्यादा कल्ले निकलें, ज़्यादा फुटाव हो, उस पर्पज से ये जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों के मुझे फ़ोन आए थे और कमेंट भी कर रहे थे वीडियो पे कि हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा ट्रिलिंग के लिए क्या करें, जो पेड़ी है हमने जो पेड़ी रख रखी है, छांट रखी है, उसमें हम कौन सी दवाई लगाएं जिससे ज़्यादा कल्ले निकल के आएं, ऐसा क्या खाद डालें जिससे हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा कल्ले हों, ट्रिलिंग हो। तो किसान भाइयों, ये वीडियो उस पर्पज से बनाया गया है जो आपकी नौलक कटकर पेड़ी की जो फसल तैयार करेंगे आप, उसमें ज़्यादा कल्ले लेने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पेड़ी की होती है उसमें एक साल काटने के बाद में दूसरी फसल लगा जो तैयार करते हैं उसको हम लोग गन्ने की फसल में पेड़ी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, पेड़ी में जो है जड़ों का विकास होता है, मगर कुछ जड़ें एक साल पुरानी होने के कारण सूख जाती हैं और जब सूख जाती हैं तो जड़ों का विकास सही से हो नहीं पाता, जिसके कारण बहुत कम संख्या में ट्रिलिंग रहती है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ को हमें विशेष ध्यान देना होगा, जैसे हमारे दादा परदादा खेती कर रहे थे उस तरीका से अगर खेती करेंगे तो हमारी जो पैदावार है वो सही से नहीं मिल पाएगी। जैसे उनने खेती करी थी उस तरीका से अगर खेती करेंगे तो हमारी जो मतलब गन्ने की पैदावार है वो अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो हमें एक अलग साइड से हट के खेती करनी है जिसमें हमें अच्छी पैदावार हो, अच्छी दवाइयों का प्रयोग करें जिससे हमारी जो गन्ने की फसल है उसमें हमें बेनिफिट हो। तो किसान भाइयों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपकी गन्ना की फसल है उसमें ज़्यादा कल्ला लेने के लिए आपको एक स्प्रे या आप खाद में साथ मिलाकर प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जब मार्केट में पेड़ी के लिए दवाइयाँ लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको दे दी जाती हैं, ये डालो उससे बात ज़्यादा कल्ले निकल के आएंगे, ये भी डालो उससे ज़्यादा कल्ले निकल के आएंगे। मैं आपको एक बढ़िया दवाई बताता हूँ और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन सी फसल डालनी चाहिए और कैसे करके डालनी चाहिए, कितना खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं एरीज कंपनी के एग्रोमिन की। किसान भाइयों, एग्रोमिन जो है आपको 500 ml एक एकड़ की फसल है जो उसमें डालना रहेगा। इसको या तो आप स्प्रे कर सकते हैं कूड़ कूड़, या फिर आप किसी भी फर्टिलाइजर NPK या यूरिया में मिलाकर और कूड़ कूड़ बखेर देंगे, उसके बाद पानी लगा देंगे। तो किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ जो आपको बढ़िया तरीका रहेगा वो जो तरीका है स्प्रे करने का, आपका बढ़िया तरीका रहेगा, आप घोल बना लीजिए इसको 150 से 200 लीटर पानी में। 500 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना लेंगे और फिर कूड कूड़ स्प्रे करते हुए चले जाएंगे और उसके बाद सिंचाई कर देंगे किसान भाइयों। तो इसके लगाने से आपकी जो फसल है, जो पेड़ी है आपकी, उसमें इतने कल्ले निकल के आएंगे, बहुत सारे कल्ले निकल के आएंगे किसान भाइयों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी कि कल्ले कम निकल के आए हैं। और जो कल्ला निकल के आएगा वो तंदुरुस्त कल्ला निकल के आएगा, मोटा ताजी कल्ला निकल के आएगा और आपको बहुत अधिक मात्रा में इसमें कल्ले देखने को मिल जाएंगे किसान भाइयों। अब बात करते हैं एग्रोन, जो आपकी एग्रोमिन है वो मार्केट में ना मिले तो कौन सी दवाई लगानी चाहिए किसान भाइयों। तो बात कर लेते हैं दूसरी जो दवाई आती है वो आती इथीफोन। इथीफोन जो आता है वो एक एकड़ जो गन्ना की फसल है उसमें अगर आप स्प्रे में लगा रहे हैं तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। इसके लगाने से भी आपकी जो फसल है उसमें बहुत सारे कल्ले निकल के आएंगे, बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी और जो कल्ला निकल के आएगा वो तंदुरुस्त कल्ला निकल के आएगा। किसान भाइयों, इनके साथ में अगर आप मिलाना चाहते हैं तो NPK 19:19 या NPK 20:20 इनके साथ में 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे कल्ले निकल के आएंगे, अच्छी पैदावार मिलेगी। और किसान भाइयों, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप जब एक बार यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि इसका जो खर्चा है कितना आएगा। एग्रोमिन का जो खर्चा आएगा वो आपको 210 रुपये के प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा किसान भाइयों। और जो आपका इथीफोन का जो इथ्रिल का खर्चा आएगा वो आपका 150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आएगा, जिससे आपको बम्फर पैदावार मिलेगी किसान भाइयों। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द मिलेंगे एक नई फसल के साथ।